ओ यार गाइस यार अब तो मजा आ गया भर पार्क में घूमने में है ना भाई चुप यार। अब सही कह रहा है शिनचैन बहुत मजा आया। अबे यार गाइस मेरे तो पेट में सुबह से बहुत दर्द हो रही है। अबे शिनचैन आ गया तो यार फेंक भैया अब तुम्हारे पेट के दर्द कैसे है यार। अबे भाई यार शिनचैन क्या बताऊं पेट में तो बहुत ज्यादा दर्द हो रही है यार। गाइस यार पता नहीं यार रात को ना मैंने ज्यादा चावल खा लिए थे और यार सुबह उठते ही मेरा पेट ना फटने को हो रहा है। अबे यार शिनचैन अब क्या करूं मैं। यार फेंक भैया दवाई खाई ना अपने। अबे हाँ यार दवाई तो खाई रखी है यार लेकिन मेरे से उठा नहीं जा रहा। आज तो कोई काम भी नहीं कर पाऊंगा मैं। अब कल वे कोई नहीं आराम कर बे। अरे यार चलो यार फटाफट चलो अंकल जी जल्दी से चलाओ। अरे बेटा चला तो रहा हूँ रुक जा मेरा बेटा। अरे अंकल जी जल्दी चलाओ यार मेरे दोस्त का घर बस आने ही वाला है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है यार मेरे को अभी गाड़ी क्लास भी जाना है अंकल जी जल्दी चलाओ। अरे बेटा जा रहा हूँ बेटा बस कहाँ पे है तेरे दोस्त का घर बताओ मुझे। अरे अंकल जी बस ये आगे वाला बंगला है ये यहीं पे रोक लो अंकल जी यहीं पे रोक लो। अरे क्या यहीं रोक लूँ क्या। अरे लो बेटा रोक लिया लो 20 रुपए दे। अरे हाँ हाँ अभी देता हूँ 20 रुपए रुको पहले मेरे को उतरने दे दो। अरे हाँ उतर। अरे हाँ अंकल जी आपके कितने पैसे हो गए 20 रुपए ना। हाँ बेटा कर दे यार 20 रुपए कर दे। अरे हाँ हाँ अभी रुको आपको पेटीएम कर देता हूँ 20 रुपए का। थैंक यू अंकल जी थैंक यू आप इतनी ऊपर तक ले आए मुझे। अरे बेटा कोई नहीं बेटा आगे सवारी मिल जाएंगी ना। हाँ हाँ आगे 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 बस स्टैंड है वहाँ पे आपको सवारी मिल जाएगी जाओ जाओ वहीं चले जाओ। अरे ठीक है बेटा मैं निकलता हूँ। अरे मेरे को तो अभी और सवारियाँ ढूंढनी पड़ेगी मैं तो थक गया इतनी ऊपर आके। अरे यार चलो फटाफट से फ्रैंकलिन के पास चलता हूँ आज तो बहुत दिनों बाद मैं इसके घर पे आया हूँ पता नहीं ये क्या कर रहा होगा आज तो मुझे इससे काम भी है मैंने इसको यार फोन करके रात को भी बोला था लेकिन इसने फोन ही नहीं उठाया। चलो फटाफट चलता हूँ। ओए फ्रैंकलिन कहाँ पे पड़ा है बे। अरे फ्रैंकलिन मेरी बात क्यों नहीं सुनता। अबे शिनचैन ये कौन है। अबे ये तो लमार है बे। ये फेंक बे तो आपका दोस्त है ना यार आपके स्कूल में पढ़ता था। ओए भाई फ्रैंकलिन क्या हाल है तेरे। अबे भाई यार क्या हाल है लमार तेरे। अबे भाई मेरे हाल तो बहुत खराब है मेरे तो पता है बहुत गंदी वाली तबीयत खराब पड़ी है। अरे भाई यार मेरे को ना एक काम है तेरे से यार चल फटाफट मेरे साथ चल यार। अब क्या का काम है फ्रैंकलिन भी आते तुझे। अबे बताता हूँ फ्रैंकलिन चलना यार फटाफट चल यार। अबे क्या मेरे से काम है। अबे भाई यार लमार मैं आज कहीं नहीं जा सकता यार तुझे पता है मेरा पेट ना फटने को हो रहा है मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है यार। अबे यार चलना यार चलते हैं। अबे तेरे को पता है तेरा भाई गाड़ी ले रहा है नई वाली और मैंने गाड़ी देख भी रखी है अभी बस ये देख अटैची है ना इसमें पेमेंट पड़ी है तुझे तो गाड़ी चलानी आती है इसलिए तेरे को लेके जा रहा हूँ मेरी गाड़ी चेक कर लियो यार क्योंकि मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती अभी मैं सीख रहा हूँ। क्या तू गाड़ी सीख रहा है। अरे भाई यार तू चला जाना यार देख मैं नहीं जा सकता यार तू भाई यार गाड़ी मेरी बाइक ले जा यार। अरे यार देख ले यार मेरे को तो बाइक भी नहीं आती यार चल लेना प्लीज। ओ यार फेंक भाई चल लो ना यार इतना भाव क्यों खा रहे हो। अबे यार शिनचैन चोप तुम्हें तो पता ही है यार मेरे पेट में इतनी जोर की दर्द हो रहा है यार। अब कल वे चल लेना इतना कह रहा था। अरे चल लेना भाई नहीं है फ्रैंकलिन मेरा देख ले यार कसम है तुझे मेरी कसम है दोस्ती की कसम है। अबे यार दोस्ती की कसम क्यों दे देता है हर बार। गाइस यार ये लोग मानेंगे नहीं यार मेरी तबीयत ना इतनी ज्यादा खराब हो रही है लेकिन फिर भी मुझे जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। अब कल वे मजा आएगा नई गाड़ी ले रहा है वो। अरे हाँ यार मतलब नई गाड़ी नहीं है है तो सेकंड हैंड ही तू चेक कर लियो ना क्योंकि तू तो गाड़ी चला लेता है। अबे यार चल ठीक है मैं गाड़ी तो चला लूंगा फटाफट आप बैठ यार और जल्दी चल ले कहाँ पे जाना है। अरे लोकेशन तेरे को बताता हूँ गाड़ी में तो बैठ। अबे हाँ बैठ बैठ फटाफट बैठ। अब कल वे चल बे चल फटाफट चल बे। यार फेंक बे चलो चलो फटाफट चलो यार। अबे हाँ यार शिनचैन और चोप चल रहा हूँ मैं लेट्स गो गाइस यार अभी ना हम सारे गाड़ी में बैठ चुके हैं। ओए लमार कितनी देर का काम है तेरा। अरे यार बस चलना शोरूम पे तो चल भाई गाड़ी देख के बता दियो ठीक है ना मैंने सारी पैसों की बात कर रखी है बस तू गाड़ी लेके घर आ जियो बहुत ओपी गाड़ी है। अच्छा चल चलते हैं देखते हैं गाइस कौन सी गाड़ी ली है इसने। लेट्स गो गाइस यार अभी फाइनली यार हम ना भाई लमार के घर पे पहुंचने वाले हैं। ओ सॉरी सॉरी मतलब लमार के शोरूम पे पहुंचने वाले हैं जहां से इसने यार वो गाड़ी खरीदी है। अबे अंकल वे चल चल फटाफट चल बे। अरे यार फ्रैंकलिन थोड़ा धीरे चल यहीं पे है वो। अच्छा इस वाले सेकंड हैंड शोरूम से लिए के तूने गाड़ी। अरे यार बार बार सेकंड हैंड मत बोल यार नई के पैसे नहीं थे। अच्छा हाँ चल ठीक है अबे नई जैसी गाड़ी है तू देखियो ना एक बार। अच्छा वो तो अभी चल के पता लगेगा ना। चलो गाइस अभी फटाफट से ना अपनी गाड़ी को कहाँ लगाऊं मैं। अरे यहीं लगा दे यही पार्किंग है। अच्छा यही है क्या पार्किंग। चलो गाइस अभी यहीं लगा देते हैं आ जाओ चुप नीचे आ जा। अबे अंकल वे चल बे चल। यार फेंक बे कहाँ पे खड़ी है गाड़ी है लमार भी कहाँ खड़ी है। अरे हाँ हाँ अंदर चलो अंदर दिखाता हूँ तुम्हें गाड़ी कहाँ पे खड़ी है फटाफट आ जाओ यार। अबे हाँ तुम लोग पीछे पीछे आ जाओ लेट्स गो गाइस यार अभी चलते हैं फटाफट ना लमार की गाड़ी देख लेते हैं। अबे कौन सी गाड़ी ली है तूने। अरे यार भाई वहाँ पे खड़ी है वो देख ले यार एक बार तू चला के भी देख ले कैसी है। अबे यार गाइस यहाँ पे मैडम जी भी खड़ी है। अरे मैडम जी ये लमार की गाड़ी कौन सी है ये मेरा दोस्त है और मैंने यहाँ पे गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने आया था। अरे सर जी वहाँ पे वो पीली वाली गाड़ी पसंद आई है सर जी को एक बार चेक कर लीजिए। क्या पीली वाली। अरे यार ये लोग अपनी गाड़ी का नाम क्यों नहीं बता रहे शिनचैन मुझे अभी तक।
यार फेंक दे, मुझे क्या पता यार। अब कल वो चल कर देख लेना कहीं कौन सी गाड़ी है। अबे भाई यार पीली वाली तो यह फॉर्चुनर है। अबे फॉर्चुनर ले रहा क्या तू? अरे नहीं ये मर्सिडीज है। अरे सर जी आइए आइए आइए, लमार सर जी आइए आइए। अरे हाँ हाँ आ तो गए, कितनी बार आइए आइए करेंगे। अरे ठीक है सर जी ठीक है, ये रही सर आपकी मर्सिडीज, मैंने पूरी रेडी करवा दी, उसके पेपर्स रेडी भी करा दिए हैं। क्या मर्सिडीज? ओ भाई साहब, मतलब गाइस यार इसने ये मर्सिडीज खरीदी है। और यार ये वाला जो शोरूम है ना, यहाँ पे वैसे कार्स तो सस्ते रेट पे मिल जाती है। अरे भाई फ्रैंकलिन देख ले यार ये वाली मर्सिडीज ली है, एक बार चेक कर ले से। अबे हाँ हाँ रुक जा अभी इसको चेक कर लेता हूँ। बाकी गाइस यहाँ पे देख रहे हो मारुति स्विफ्ट 5 और यार फॉर्चुनर भी खड़ी है, हुंडई की वेन्यू भी खड़ी है, और गाइस यार इसने मर्सिडीज बाय करी है। अबे भाई लमार कितने की पड़ी है? मिठाई तो खिलाएगा ना? हाँ हाँ मिठाई खिलाऊंगा, एक बार चेक कर ले बस तू। और वैसे यार चेक करने की जरूरत तो नहीं है, गाड़ी बिल्कुल 2023 मॉडल है, 2 महीने पुराना। क्या 2023 मॉडल है? अरे बाप रे शिनचैन, इस गाड़ी का इंटीरियर कितना ज्यादा ओपी है। ओ यार फेंक बे, हाँ यार ये तो बहुत ही ओपी लग रहा है यार। अब कल वो कैसा है बे? ओ भाई साहब गाइस ऊपर सनरूफ भी है। अबे यार गाड़ी तो एक नंबर लग रही है भाई, कितने की पड़ी तेरे को ये तो बता। अरे हाँ हाँ बताऊंगा बताऊंगा, चिंता क्यों कर रहा है, पहले तो गाड़ी तो चेक कर ले। अबे भाई गाड़ी तो बिल्कुल नई है ना, जब गाइस 2023 मॉडल है तो यार बिल्कुल ही नई है, और ये तो कह रहा है कि 2 महीने पुरानी है। अरे सर जी आज ही इसकी डिलीवरी लेनी है ना? हाँ हाँ सर जी मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है, सारे पेपर रेडी हो चुके हैं, बस लमार सर को ये गाड़ी घर लेके जानी है। हाँ तो आप ऐसा करो इसको बाहर निकलवा दो, मैं इसको फटाफट लेके घर चला जाता हूँ यार। हाँ निकलवा दो सर जी निकलवा दो। अरे हाँ हाँ सर मैं इसको अभी बाहर निकलवा देता हूँ, आप चिंता मत करिए ये गाड़ी आपके घर पहुँच जाएगी। अरे हाँ और ये लो आपकी जो बाकी पेमेंट रह गई थी ना, वो मैं कैश में करूंगा ठीक है ना? अरे ठीक है सर जी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करवा देना आप। हाँ ये लो ये लो। अरे ठीक है सर जी, अभी मैं ये सारे का सारा कैश ना आगे मैडम को दे के आता हूँ, और ये गाड़ी के आपकी बाहर निकलवा देता हूँ, आज इसकी वो करोगे ना आप? हाँ हाँ आज ही करेंगे आज ही करेंगे, इस गाड़ी को फटाफट बाहर निकलवा दो। अबे भाई यार लमार तेरे पे तो भाई मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, तूने भी मर्सिडीज ले ली। गाइस यार वैसे मेरे को भी ना एक नई गाड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेरी वाली कार है ना वो भी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है। मेरा मन तो गाइस यार ये फॉर्च्यूनर पे भी आ रहा है, और यार यहाँ पे ना एक हुंडई की वेन्यू खड़ी है। आप लोग गाइस फटाफट कमेंट्स में जाके बताओ कि अभी मेरे को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। अरे सर भाई मैं तो कह रहा हूँ ले ले भाई, ये भी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां है सारी की सारी। अबे हाँ यार गाड़ियां तो बढ़िया है सारी की सारी, चल आ जा फटाफट से हम बाहर चलते हैं। अभी यार ये अंकल जी ना बाहर ही अपनी गाड़ी निकलवा देंगे ये वाली। अबे अंकल भाई चल चल बे, ये फेंक बे, ओपी है यार ओपी है। लेट्स गो गाइस, अभी फाइनली यार अभी ना हमारी ये वाली गाड़ी इन्होंने बाहर निकलवा दिया है। अभी यार फटाफट से ना इस गाड़ी को लेकर चलते हैं घर पे। अबे तू बैठना इसके अंदर। अरे यार मुझे आती कहां है भी गाड़ी चलानी। अबे हां तेरे को तो आती नहीं है, अबे तो चला तो मैं रहा हूं ना, चलना। अरे यार सुनना तू अपनी गाड़ी यहां से बाद में ले जाइयो, पहले ये मेरी गाड़ी मेरे घर पे लगा दे, मैं अभी थोड़ा सा काम है मुझे, मेरे को पंडित को बुला के लाना है, मैं पंडित जी को बुला के ले आऊंगा घर पे, तू ये गाड़ी मेरे घर ले जाना। अबे क्या मतलब पहले ये वाली गाड़ी मैं तेरे घर पे लेके जाऊं और उसके बाद मैं यहां पे आके अपनी गाड़ी लूं? अरे हां यार फ्रैंकलिन मेरा भाई नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है बचपन का, देख ले यार कम है, कसम है यार दोस्ती की कसम है। अबे यार इसने गाइस दोस्ती की कसम करसम करके ना बैंड बजा दिया शिनचैन मेरी। ओ यार फेंक बे, कोई दिक्कत नहीं है यार, कर देंगे यार कोई नहीं यार। अरे हाँ कर देना मेरे को फोन कर देना। चलो यार अभी फटाफट चलता हूँ, पंडित जी से बात भी करनी है, गाड़ी की पूजा करानी है। चलो चलो फटाफट मंदिर चलता हूँ, जल्दी से पंडित जी को बुला के लाऊंगा। अबे यार गाइस ये कौन मुसीबत आ गई, पहले हमें ये गाड़ी को ना लेके लमार के घर पे जाना पड़ेगा, देन उसके बाद हमें यहाँ पे बस पकड़ के आके अपनी वाली गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। अबे अकल वे चल बे चल। अबे हाँ जाओ बैठो बैठो फटाफट बैठो। अबे बैठे रुक जा बे। ऑल राइट गाइस यार अभी ना शिनचैन चौप में ना इस वाली गाड़ी में बैठ चुके हैं, और गाइस यार ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रही है शिनचैन। अबे अकल वे बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रही है। ओ यार फेंक बे, हाँ यार बहुत ही अच्छी लग रही है यार, ये अंदर से भी कितनी अच्छी है, और इसका एसी तो बहुत ही बढ़िया है यार। अबे होगा नहीं क्या गाइस, इंटीरियर के मामले पे तो ऐसी मर्सिडीज बहुत ही ज्यादा ओपी है। चलो यार इसे फटाफट ना अभी घर पे लेके चलते हैं, और चलिए से गाइस इसको खड़ा कर देते हैं। अबे कलवे भाई बहुत ही ओपी चल रही है ये तो, बहुत ही अच्छी आवाज है इसके। अबे हाँ यार गाइस देख रहे हो इस गाड़ी की जो आवाज है ना, बिल्कुल पता नहीं लगता कि गाड़ी चालू भी है, क्योंकि गाइस यार आपको तो पता है मर्सिडीज भाई कैसी कैसी गाड़ियां बनाता है शिनचैन। रेड लाइट आ गई, रोक रोक यार। अबे हाँ रोक रहा हूँ रोक रहा हूँ, रेड लाइट आ गई गाइस। अरे यार चलो चलो फटाफट चलता हूँ यार, मैं तो बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ, पहले भी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो गया था। अरे चलो चलो, अरे बाप रे यहाँ तो रेड लाइट लगी हुई है, अरे यार क्या करूँ मैं, अरे मैं तो लेट हो गया बहुत ज्यादा। अरे यार ये क्या हुआ, ब्रेक क्यों नहीं लगी? अब्बा कल हुआ ये क्या हुआ बे? अरे बाप रे ये कौन है गाड़ी ठोक के भाग रहा है? ओए पकड़ इसको शिनचैन। ये फेंक दे मुझे, भाग गया। अरे भागो भागो यार गलती से डुब गई गाड़ी, भागो भागो। अबे इसकी भैंस की। अबे गाइस यार ये क्या कर गया शिनचैन? ये फेंक दे, ये तो आपकी नई
गाड़ी में ठोक के भाग गया यार। अब कल ये क्या, ओ भाई साहब गाइस ये गाड़ी तो पीछे से पूरी खत्म कर गया वो, देख रहे हो इसका तो पूरा बम्पर वगैरह सब तोड़ गया। अब कल वे तू तो गया बे यार, फेंक दे आप क्या करे यार। अरे पाप रे गाइस, और ये गाड़ी के अंदर कितना गंदा डेंट मार के गया है। अगर गाइस लमार को पता लगा ना तो लमार तो मेरी ऐसी कम तैसी कर देगा, क्योंकि गाइस यार उसको लगेगा ये गाड़ी मैंने ठोकी है। बट यार आपको तो पता ही है मैंने नहीं ठोकी यार, पीछे से किसी ने ठोकी और वो भाग गया। अब कल वे क्या करे यार, फेंक दे मैं तो कह रहा हूँ, उसे पैड में दफना दो यार, गाड़ी को पैर में छोड़ के आ जाते हैं। अबे हाँ यार शिनचैन आइडिया तो बहुत अच्छा है। गाइस यार मैं ऐसा करता हूँ, इस गाड़ी को ना फटाफट से पहाड़ों पे लेकर चला जाता हूँ और वहीं पे छोड़ दूंगा, और लमार को बोल दूंगा गाइस ये गाड़ी चोरी हो गई है, जब भी बचूंगा मैं। लेट्स गो यार अभी फटाफट चलते हैं। अब कल वे कुछ होगा तो नहीं ना बे। अबे अब होगा क्या, गाड़ी तो पूरी खत्म हो गई है ना गाइस यार। अगर लमार को पता लग गया ना कि गाइस ये गाड़ी की ऐसी हालत हो गई है तो वो तो गाइस पहली मेरी ऐसी कम तैसी मार देगा। अबे यार नहीं 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 गाइस यार चलो, अभी ये आइडिया मेरे को सबसे बेस्ट लग रहा है। मैं उसे बोल दूंगा कि गाइस मैंने कुछ सामान लेने बाहर गया था और ये गाड़ी ना चोरी हो गई है, इससे बहाने से गाइस हमारे को ना इस गाड़ी का पूरा क्लेम भी मिल जाएगा और लमार भी खुश रहेगा क्योंकि उसके पैसे खराब नहीं होंगे। अरे अरे मेरे को मत मारो, अरे मैं तुम्हें सारा पैसा दे दूंगा। ये फेंक बे ये कैसे आवाज आ रही है। अबे मुझे क्या पता गाइस, अभी हम जंगल के अंदर ये गाड़ी छोड़ने आए हैं तो यहाँ पे पता नहीं जंगल के अंदर से कैसी आवाज आ रही है। अब कलवे क्या हो रहा है अंदर। अरे अरे मेरे को छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, फटाफट से सारा का सारा माल पानी हमारे हवाले कर दे, बहुत पैसा छापा है तूने। अब कल वे क्या हो रहा है अंदर, ये फेंक बे क्या हो रहा है, देख क्या होना। अबे शिनचैन रुक जा, वैसे भी गाइस यार लॉस सैंटोस को ये वाला जंगल है ना, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। अभी यार फटाफट से अंदर जाके देखना पड़ेगा गाइस, चल क्या रहे हैं। अबे ये क्या हो रहा है शिनचैन, ये फेंक बे ये क्या हो रहा है यार। अरे अरे छोड़ दो मुझे, मुझे माफ कर दो, मेरे पे नहीं है कोई पैसे वैसे, मेरे को माफ कर दो। ऐसे बोल दे माफ कर दे तेरे को, है इतना मोटा पैसा छाप रहा है, दिन के लाखों रुपए कमाता है, फटाफट से सारा पैसा हमें दे दे वरना तेरी ऐसी कम तैसी कर देंगे। तू जानता नहीं हमें, हम लॉस सैंटोस के सबसे बड़े बदमाश हैं। अबे शिनचैन ये तो बदमाश लोग हैं, और गाइस यार इन्होंने एक बिलियनर को पकड़ रखा यार। अब कलवे बचाओ उसको, बचाओ बचाओ फेंक दिया। अबे भाई यार कैसे मैं कैसे बचाऊं, गाइस यार उनके हाथ में हथियार है और चाकू वाकू भी है, अगर गाइस मैं प्रधान बनूंगा ना तो मेरे को भी यहीं लपेट लेंगे यार। अब कलवे मैं तो कह रहा हूँ पीछे से डंडा मार दे इसके सर पे। क्या पीछे से डंडा मार दूं, वैसे भी गाइस यार यहाँ पे एक डंडी तो पड़ी हुई है लकड़ी की। अभी रुको यार फटाफट से इस डंडी को उठाता हूँ मैं। अबे उठाले बे उठाले। ऑल राइट गाइस अभी फाइनली यार मैंने ना यार ये डंडे को उठा लिया यार। अभी यार मैं क्या सोच रहा हूँ, फटाफट से ना जल्दी से पीछे से छुपके चलते हैं और इनके सर में ना ये वाला डंडा मार के फटाफट से गाइस यार उन बिलियनर अंकल को बचा लेते हैं जिनका ये पैसा लूटने वाले हैं। और बचा लो मुझे, कोई तो बचा लो। चिल्ला चिल्ला यहाँ पे कोई नहीं आएगा तेरी मदद के लिए। अबे क्या बोला, निकल यहाँ से। ओए ये कौन आया यहाँ पे। अरे अरे थैंक यू। अरे ये क्या मार दिया इसने तो हमें। अब कल वे मार बे मार, ये फेंक बे मारो ने। अरे ओए ये ले तेरी भैंस की। अरे मारो ने। अब कल वे मार बे से। ये कौन है, ओए रुक जा तेरी भैंस की, ओए कलवे हफसी रुक जा। अबे क्या बोला मेरे को, निकल यहाँ से। गाइस यार फाइनली यार इसको मैंने बेहोश कर दिया डंडा मार के इसके सर पे। अरे मेरे को गाइस फटाफट इन बिलियनर अंकल की रस्सियां खोल के इन्हें फटाफट यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, कहीं गाइस यार इनके और साथी आ जाए गुंडा लोगों के। अरे खोलो मुझे। ऑल राइट गाइस यार अभी फाइनली यार मैंने ना इन अंकल जी की भाई हाथ खोल दी है। अरे अंकल जी ये आप लोगों को क्यों पकड़ के बैठे थे ये गुंडे लोग। अरे बेटा मैं बहुत अमीर हूँ ना, इसलिए ये लोग मेरे को पकड़ के यहाँ पे ले आए और मेरे से फिरौती मांग रहे। मैं जिनको इतना पैसा देने वाला था ना, ये लोग उसमें पूरी जिंदगी काम भी नहीं करे, जब भी आराम से बैठ के खा सकते हैं। लेकिन बच्चे तू मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी लोकेशन कोई नहीं ट्रेस कर पाया, आज तो ये मेरा सारा पैसा लूट लेते और मेरे को जान से मार के यहीं दफना देते, इसलिए मेरे बच्चे मैं तेरे को पैसा दूंगा। क्या आप मुझे पैसा दोगे। हाँ बच्चे, मैंने तेरे अकाउंट में पूरे के पूरे $100 million डाले हैं और मेरी आधी से ज्यादा सारी संपत्ति मैं तेरे नाम करता हूँ। क्या 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 क्या, आधी से ज्यादा मतलब आपसे ज्यादा 75% आपकी आधी संपत्ति मेरे नाम है। हाँ बच्चे तू बहुत अच्छा बच्चा है, मैं तो और पैसा कमा लूंगा लेकिन जान थोड़ी ना आएगी वापिस। यार फेंक बे तुम्हारे तो बल्ले बल्ले हो गए यार। अरे मतलब अंकल जी अब आपके बंगले आपकी गाड़ियां सब मेरी हो गई क्या। हाँ बच्चे मेरा ये वाला बंगला है ना, इसकी लोकेशन मैंने तेरे को व्हाट्सएप पे भेज दिया है, ये वाला बंगला तेरा हो गया और मेरी सारी की सारी गाड़ियां भी तेरी हो गई। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत
बढ़िया। अबे भाई शिनचैन हमारे तो बल्ले बल्ले हो गए यार। अय्या फेंक बे। हाँ यार चलो चलो अपने बंगले में चलते हैं। अरे हाँ बच्चे, मेरा भी हेलीकॉप्टर मुझे यहाँ लेने आ रहा होगा। अरे हाँ हाँ चलो चलो गाइस यार, अभी फटाफट हम तो बहुत अमीर हो गए। चलो यार अभी फटाफट से अपने बंगले में चलते हैं, देखते हैं यार अंकल जी ने हमें क्या क्या गिफ्ट किया है यार। ऑल राइट गाइस यार, अभी फाइनली यार देख लो यार अंकल जी ने गाइस हमारे को ये वाली लैम्बोर्गिनी गिफ्ट करी है। बाकी गाइस अभी ना आप लोगों को फटाफट जल्दी से ना मैं मेंशन पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ यार वहाँ पे अभी कौन कौन सी गाड़ियाँ और पड़ी हैं। अबे अकल वे दिखाओ दिखाओ इन सबको दिखाओ बे। अय्या फेंक बे। हाँ यार दिखाओ यार। अबे हाँ यार शिनचैन, गाइस यार अभी अगर आप लोगों को भी मेरे से कुछ गिफ्ट चाहिए ना तो फटाफट से गाइस जो हमारा बंगला नंबर है ना फटाफट गाइस कमेंट में जाके लिख दो ये वाला नंबर। अबे गाइस लिख दो बे। अय्या फेंक बे, ये सारी गाड़ियाँ हमारी है क्या? जी वैगन, रोल्स रॉयस और यार ये लैम्बोर्गिनी ओरस। अबे हाँ यार शिनचैन, ये सारी की सारी गाड़ियाँ हमारी हो चुकी है क्योंकि यार अंकल जी ना अपनी सारी की सारी संपत्ति हमारे नाम जो कर दिया है। अबे कल ये तो बहुत अपनी बात है बे। अबे हाँ यार शिनचैन तो आप सही कह रहे हो गाइस यार, ये वाली भाई लैम्बोर्गिनी ओरस तो देखो कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। अबे अकल वे बहुत मस्त लग रही है बे। अरे हाँ यार, और गाइस यार हमारा जो घर है ना ये वाला बंगला ये भी बहुत ज्यादा लग्जीरियस है। बाकी गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो ना तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है ना तो फटाफट गाइस कमेंट में जाके यस लिख देना। तो चलो गाइस यार मैं शिनचैन चोप आपसे मिलेंगे ऐसी अगली ओपीसी वीडियो में। जब तक के लिए गाइस गुड बाय बाय बाय। ओ यार गाइस यार बाय बाय यार।